That's right. Ricky Singh once again. Ricky Singh, Ricky ये, Ricky वो. सब कैसे हो आप लोग? मेरा ऐसा है कि यार गर्मी बढ़ती जा रही है, साइक्लोन बीच में आ जाता है, थोड़ी बहुत बरसात कर देता है, लेकिन रिकी सिंह पे कभी बरसात नहीं गिरती. पूछिए क्यों? क्योंकि रिकी कीटो कर रहा है. रिकी इतना पतला हो गया, बारिश की बूंदों के बीच में से मैं निकल जाता हूँ. तो किसी ने आते ही मतलब ऐसा बड़ा सा हेलो लिख दिया है, थैंक यू अमित रोहित, दोनों ही आपके नाम है. ओके, बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े सारे आरजेज. पहले ही जेडी एमएवर्क के जिन्हें भी टीम है ऑफिशियल वाली होते सानू ज्वाइन कर चुकी है. आए हाय ऐसे बड़ा जगह. मेरा नाम है रिकी सिंह, मैं कनेडियन द पंजाबी. रिकी सिंह जो है कनेडियन से इधर आया, इसलिए थोड़ी बहुत एक्सेंट अभी भी रह गई. दो दांत घस के जो है उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. फ्राइडे शाम को 5 बजे, संडे रात को 9 बजे रिकी सिंह का वर्ल्ड काउंटडाउन आता है, जहाँ बेस्ट वाले नॉन फिल्मी गाने आपको सुनने मिलते हैं. और बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ हम लोग हर हफ्ते एक लाइव करते हैं, एक हैंग आउट करते हैं. और आज एमी पाजी को याद करने की कोशिश की है, बिकॉज एमी पाजी छा गए हैं यार. एमी पाजी के साथ ही मेरा अब तक कोलैब नहीं हुआ, बाकी सारे आर्टिस्ट के साथ मैं यहाँ पे कोलैब कर लेता हूँ. तो ऐसा है, एमी के जो भी फैन हो ना एमी के, वो सारे यहाँ पे जरा मेरे को ऐसे हाई शाई लिखना शुरू कर दें. @RJRickySingh मेरा भी हैंडल है, वहाँ पर जाके आप मुझे हैंडल कर सकते हैं, तो ज़रूर से करें. वहाँ पे हमारा हर हफ्ते का व्लॉग आता है. इस हफ्ते जो व्लॉग में मैंने आपको सिखाया कपड़े कैसे धोते हैं, ऐसे शाइनी जैकेट जड़ी होती है वो भी तो शाइन करनी चाहिए ना. एमी सर कितने हैं? हाँ नेहा आ रहे ने, एमी आ रहे ने. एमी मेरा नाम लो, मुस्कान मुश्ताक, उत्थे मुश्ताक, मुश्ताक मुश्ताक लिखे हुए इतने. ओके चलो ना थोड़ा ले लेता. एमी साढ़े नाल, एमी एमी साढ़े नाल, एमी भाजी आ गए इतने. जी एमी भाजी, हाँ एमी भाजी ने मैनू यो लिखिया सी. एमी भाजी वेख सकते हो तुसी जी सर, की हाल ने, की हाल ने, की हाल ने? चढ़ दी गल ठीक है, तुसी ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हाँ. क्वारंटाइन किस तरह चल रहा तुहाडा? क्वारंटाइन ठीक है भाई, अज मेरे ख्याल 8 तरीक है, अज लास्ट सीगा, हुण पता नहीं अज शाम नूं होणगे जिहड़ी नवीं चीजां आउणियां, भी अगे वधदा जां किद्दां हुंदा जी. ਇਹਮੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਰਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ. ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਇਕੱਠੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਈ ਚ. ਹਾਂਜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਐਸਾ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ. ਹਾਂਜੀ. तो की मिस कितना तुसी अभी घर पे रह रहे कि आपने क्या मिस किया है सबसे ज्यादा करना ड्यूरिंग द क्वारंटाइन? भाई काम ही है जी, मतलब एक दो महीने चंगा लगया सी, स्टार्टिंग स्टार्टिंग ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਟ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਭਾਜੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓਗੇ ਪਲੀਜ਼? 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ ਯੈਸ. या तब तक रिकी सिंह आपको याद दिलाना चाहता है कि एमी जो है उनका नया गाना जो है मैं सुनिया, वो आप रेड एफएम पर सुन सकते हैं, मेरे व्लॉग पर सुन सकते हैं, मेरे जो है इंस्टा हैंडल पे सुन सकते हैं. एंड एमी इज बैक. चार्जर दे दो नहीं तो दूसरा लैपटॉप वाला. हाँ जी हाँ हाँ जी. पहला तो तुसी सारे जो हमारे लिसनर्स उनको आप हाय बोल दीजिए एमी जी. जी सारे नु प्यार सत्कार, सारे नु सत श्री अकाल जांदे वास्ते रहो. आई होप तुसी सारे ठीक ठाक होंगे. एमी मैं आज आपका मैं इंटरव्यू देख रहा था इसके पहले कि मैं आपको मैं सुनिया के लिए कंग्रेचुलेट करूं. चलो पहले वो कर देता हूं, या बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है. थैंक्स अ लॉट पाजी, बहुत बहुत थैंक यू थोड़ा, बहुत बहुत हाँ. ते आंदे ही तुसी मिलने ना मिलने ना हिट कर लेंगे, मतलब आप मतलब ऐसे 10 मिलियन वगैरह के नीचे तो मेरे को लगता है बात ही नहीं करते हो किसी. पाजी वो तो हम अपने आप ही हो जाता है जी, इतना लोग प्यार ही इतना ज्यादा करते हैं, हम बंदा करे भी की. बाबे दी मेरा टच वुड है जी. जी कृपा महाराज दी, सब सेट है, काम सब सेट है. अच्छा थोड़ा हाँ कैमरा उन्हें परफेक्ट है. अच्छा पहले तो मुझे आप बताओ कि ये गाना जो क्वारंटाइन में रिलीज हुआ है, इसका वीडियो आपने कब किया, रिलीज कैसे प्लान किया, लोग अभी बहुत देख रहे हैं, उनका रिएक्शन क्या है, थोड़ा सा गाने के बारे में बताइए और थोड़ा गाते हैं फिर गाना. पाजी गाना शूट होया सीगा जी लास्ट अक्टूबर दे विच, दो गाने पाजी उदों इकट्ठे करे सीगे. हां जी दो गाने इकट्ठे करे सी लास्ट ऑगस्ट. सो अच्छा मतलब 6 मंथ्स और 7 मंथ्स बैक ते ਉਦੋਂ ਗਾਣੇ ਹਾਈਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦਸੰਬਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ 83 ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਝ ਦੋਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੀ.
ओ मतलब बैक टू बैक काम किया आपने, पहले 83 किया फिर ये दोनों गाने बनाए, तो मतलब और एक गाना पाइपलाइन में है हमारा। नहीं, गाने बाजी तीन है और पाइपलाइन में भी। सो अभी मतलब तीन है, जो अभी एक दो लॉकडाउन में किए थे शूट, घर पे शूट किया था, एक उनमें से हमने रिलीज कर दिया था तोड़दा दिल, और उसके बाद एक हमारे पास अभी है गाना, लेकिन अभी दो बैक टू बैक सैड आ गए हैं। सो आई एम प्लानिंग टू डू अ बीट सॉन्ग राइट नाउ। सो अभी आज आज लास्ट आई थिंक सो 8th का जो लॉकडाउन था, अभी थोड़ा रिलैक्सेशन किसी न किसी फील्ड में मिलेगी। सो वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो, टू शूट अ वीडियो ऑफ बीट सॉन्ग मे बी नेक्स्ट वीक। आई थिंक सो दैट्स गोना पॉसिबल नेक्स्ट वीक आई थिंक। वाह, दैट्स रियली ग्रेट। तो जी, पहले तो हमारे सारे फैंस के लिए, एमी के फैंस के लिए, रेड एफएम के सारे लिसनर्स के लिए थोड़ा सा हो जाए, मैं सुनिया, क्योंकि मैं तो जी तुम्हारे जी को नहीं सुनिया। श्योर भाजी। ए ता होना ही सी, तू एक दिन रोना ही सी, ए ता होना ही सी, हाँ तू एक दिन रोना ही सी, कदे मन भरिया सी मेरे तो, कदे मन भरिया सी, मन भरिया सी तेरा मेरे तो, अज फेर तो मिलने लई तेरा भी जी करेगा। मैं सुनया मेरे नाम नु सुन के रोया है, मेरे हाल नु सुन के यार आवे दस की करेगा। मैं सुनया मेरे नाम नु सुन के रोया है, मेरे हाल नु सुन के यार आवे दस की करेगा। थैंक यू सो मच क्या भाई। बात है, क्या बात, क्या बात भाजी। मैंने बड़े सारे लाइव किए क्वारंटाइन में, बड़े सारे आर्टिस्ट के सॉन्ग्स लॉन्च हुए हैं, शूट हुए हैं, पर जितने बाजू से दिल आ रहे हैं ना, जो फुल दिलों की वल्केनो आ रही है, जो वो पाजी इतने फास्ट मैंने नहीं देखे किसी लाइव में। मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपको सौ खा के, बिल्कुल थैंक यू सो मच भाई, बहुत ही अप्रिशिएट प्यारा, करता बहुत इट्स सो। आपका कभी ऐसे कोई एक्स से ऐसे पाला पड़ा है, वापस कभी ऑकवर्ड हो जाते हो मिलके? हूँ। नहीं नहीं पाजी, इतना कभी नहीं हुआ, कृपा रही महाराज जी शुरू से ही। अच्छा, ये किसी एक्स के लिए आपने बनाया है ये वाला गाना, आपने उनको किसी को याद करके बनाया है? नहीं भाई, ऐसा तो फिर तुझे मेरे मतलब काफी तरीके के गाने हैं, मतलब भाजी फील हर चीज जो तुम गाने हो उदा तुम तुम फील करके गाना पैंदा, हर चीज फील के साथ जी। करनी पड़ती, कुछ भी मतलब सैड सॉन्ग है, बेशक बीट भी है, कोई भी गाना है या रोमांटिक है, आपको फील के साथ गाना पड़ता है। सो इट डजंट मीन कि आपके साथ वो चीज हुई हो या ऐसा है। हाँ, जो हमारे राइटर लोग हैं मतलब मनिंदर है या जानी है, मतलब उनकी परसेप्शन होती है, मतलब ऐसा है अभी इतना भी दिल नहीं टूटा, मतलब जितना जानी जितने डीप गाने लिखता है, या राज जितने डीप गाने लिखता है, या मनिंदर जितने डीप गाने लिखता है अभी। सो मतलब लोगों के लिए, जो लोग सोचते हैं, जो लोगों के दिल की बात है, तो हम वो लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं हम सभी, एज जी एन जी एक्टर, सिंगर, एज एन राइटर, एज एन जी वीडियो डायरेक्टर, जो जी लोगों को अच्छा लगे। सो मतलब ऐसा, मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं होता कुछ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि लोगों को पता चले हर चीज का। मैं ना रिसर्च कर रहा थी आप पे, जब मैं इस इंटरव्यू की मैं तैयारी कर रहा था, मैं बड़ी रिसर्च कर रहा था। मैंने पहली चीज आपकी बीएससी वाली स्टोरी जो मैंने देखी, मैंने पढ़ी, मैंने सुनी, मतलब वो जी स्टोरी जी इतनी जबरदस्त है, हमारे कई सारे रेड एफएम लिसनर्स को नहीं पता होगा कि आपने बीएससी की हुई है, तो हाँ जी, थोड़ा सा उसके मेडिकल बारे में की है बताएं सर कि आपने मैंने, क्यों की थी। सर मेडिकल पढ़ने के लिए सर, नहीं, मैंने डॉक्टर तो कुछ बनने के और लिए की थी। सुना। हाँ जी सर। मैंने सुना आपने गर्लफ्रेंड के लिए की थी। नहीं नहीं सर, वो टाइम थे सर पुराने, लेकिन हर बंदा तो करता था अपने फ्यूचर के लिए ना, पढ़ने के लिए। अच्छा, सो दैट्स व्हाई सर, मतलब मेडिकल था, +1 +2 मेडिकल की थी सर मैंने, तो उसके बाद बीएससी बायोटेक में एडमिशन लिया। सो उसके बाद सर मेरा हो गया था, मतलब लास्ट सेमेस्टर में था एक, मतलब अटेंडेंस की वजह से, अटेंडेंस भी मतलब ऐसा था, मतलब पहले मेरे को बोला गया था कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी अटेंडेंस में। सो एट अच्छा, लास्ट मेरे को रोल नंबर नहीं दिया गया एक दिन पहले। सो मेरा एक एग्जाम छूट ओ गया, तो उसमें मैंने फिर एमएससी में एडमिशन ले लिया, लेकिन दे वांटेड डीएमसी होता है ना वो, जो डिटेल मार्कशीट, डीएमसी मतलब जो भी जो वो था वो मंगवा रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं रहा था, बिकॉज मेरी एक सप्ली थी लास्ट सेमेस्टर में, बिकॉज ऑफ अटेंडेंस। सो वो मेरा एक साल से ड्रॉप हो गया था, 2012 आई थिंक सो, और 11, 2009 to 11, हाँ और जी। ड्रॉप सो होने का मे रीजन भी 11 यही था और मे कभी। बी 2012 में एक साल जो ड्रॉप हुआ, सो उसमें सर मैं हाँ सिंगर बन गया था, अच्छा, वो एक साल हाँ ड्रॉप था, उसमें मेरे गाने आ गए थे। सो उसके बाद एमएससी में एडमिशन लिया, फिर सर मतलब शूटिंग्स एंड ऑल स्टफ, रिकॉर्डिंग, बिकॉज टाइम, हर चीज टाइम मांगती है, जो आप मतलब दिल से करते हो, कोई भी चीज आप दिल से करते हो तो टाइम सर लगता है उसमें। सो म्यूजिक भी है बात, या गाने भी हैं, अभी सारी सारी रात हम जागते हैं, बनाते हैं गाने। सो कई बार बनाते हैं, हफ्ता हफ्ता रोज बनाते हैं गाने, लेकिन नहीं सही बनता,
ऐसा होता है 5 मिनट में भी सही गाना बन जाता है। सो एफर्ट करना पड़ता है हर चीज के लिए, दिन रात जागना पड़ता है। सो तब भी ऐसा ही था, काम करते थे, दिल्ली चला गया था, उसके बाद मैं मेरे हमारा म्यूजिक डायरेक्टर था ग्रुप्स, उसके साथ मैंने एल्बम की थी। सो उसमें टाइम लगा था काफी। स्टार्टिंग भी मैंने मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ ही, मतलब मेरा फ्रेंड है प्रैटी पुलर, उसने पहला गाना लिखा था चंडीगढ़ दी कुड़ियां। सो हमने सर वो किया था जब मैं 17 साल का था, तब पहला गाना सर कॉलेज में ही था। मैं आई वाज इन ग्रेजुएशन, या बीएससी में था तब। सर मनिंदर बुत्तर हमें बार बार जो है मैसेज किए जा रहे हैं, वो आपके साथ प्ले स्टेशन खेलना चाहते हैं शायद। नहीं सर, उसको अभी पता है, उसको अभी एक बार अब जो लाइव फिनिश होगा ना उसके बाद बात करता हूँ उससे। सर मैं मतलब दोपहर 2 बजे से बोल रहा हूँ, PS4 लेके आते हैं, जाके लेके आएंगे, लेके आएंगे। हमारे फ्रेंड्स के पास है, हम यहाँ मतलब बाहर लगी हुई है, लेकिन मैं उसको बोला मैं अपने घर के लिए, अभी मैं स्टूडियो में हूँ, अपने घर के भी घर के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, लेके आनी है, लेके आनी है। नहीं अभी मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, तब जाऊंगा, तब जाऊंगा, तब जाऊंगा। अभी वो मेरे साथ नहीं गया था, दैट्स व्हाई अभी वो सर तरले मिनते कर रहा है पंजाबी में। अभी मेरा डन होगा ना, उसके बाद मैं करता हूँ इससे बात। तरले वर्ड में लाइव से पहली बार मैं सुनिया तरले वर्ड में, मैंने बड़ा मजा आ गया, तेरे प्योर को कल पंजाबी गल हो PS4 गई लेके ऐसा। आवांगे, कहना कल PS4 Pro लेके आवांगे। मतलब मैंने सर कल ही सीखा है, मतलब कल फुटबॉल का मैच मेरे को अरविंदर खैरा ने सिखाया, जो हमारे वीडियो डायरेक्टर हैं। सो वो जी अभी मैं घर पे प्रैक्टिस करूंगा, और इनको हराना है मेरे को। जानी बी अपना बी प्रैक्टिस खेलता नहीं है, जानी भाजी को हराना है, और अरविंदर खैरा भाजी को हराना है, मनिंदर भी नहीं खेलता, और दो तीन बंदे हो अच्छा, रहे हैं उनको हराना है। तो आप लोग के ऐसे मतलब ऐसे क्लैन बन के मैचा मैचे होती है मतलब प्रॉपर। हाँ मतलब फुटबॉल के सर अभी ये खेलते हैं ना, जो दो तीन लीग होती है, तो जी अभी उस पे खेलते हैं ये। मैं तो कल ही शुरू किया है, कल मैंने सीखना शुरू किया, अब मैं घर पे सीखूंगा, मतलब सारी सारी रात खेलूंगा, सीखूंगा, और फिर इनसे इनके साथ मैच लगाऊंगा। ओ, ये ठीक है सर, आप मैच लगाना, मैं शर्त लगाऊंगा, आप मैं पैसे आप पे लगाने वाला हूँ। जी अच्छा मेरे को एक बात बताइए सर। कि आपने कभी सोचा था जब किस्मत गाना आया सर कि एक मिनट मतलब होल्ड ये। करना, हाँ सर एक मिनट होल्ड जी करना, हाँ एक जी सेकंड होल्ड करना। जट कहली वाला भरा गाल ना कट, मनिंदर मेरा छोटा भरा आया, प्लीज वीर बन के मेहनती आ, भरा अपना हो गाल नहीं कटी दी। चंगा अगे चलो ओ, जी, कोई नहीं आगे निकाल दे चलो, रहा काम सर। हाँ जी चलते रहना है काम। सर सर मैंने अगे की कह रहा चलो। थी कि जब किस्मत सॉन्ग आया तब हाँ आपने जी सोचा नहीं, सोचा सी तो तुसी कि मतलब एक्चुअल किस्मत चेंजिंग सॉन्ग होगा, वो समथिंग एल्स हो जाएगा। पाजी, एक गाना ना काफी मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 मंथ्स और मे बी 1 ईयर, मतलब इसकी प्लानिंग थी 1 साल की। पहले वीडियो का प्लान था सरगुन के साथ, सरगुन मतलब किसी और के साथ प्लान था, और खैरा सेट भी यार कोई मतलब वधिया एक्ट्रेस आपां गाने दे विच लैनी है, राइट। जी हाँ ते जी उस तो बाद सर मैंने सरगुन को कॉल किया, सरगुन वाज बिजी आई थिंक सो इन शूटिंग, ओके सो आई आस्क हर प्लीज डू मी अ फेवर, शी सेड ऑलराइट आई विल लेट यू नो, जब भी बता देना तेरे को चाहिए होगा प्लीज कंफर्म मी देन वी विल शूट। सो उसके बाद उसकी फिल्म की शूट शुरू हो गई, और उसके बाद मेरी एक और फिल्म की शूट शुरू हो गई, तो गाना मतलब डिले हो गया। सो उसके बाद हम बाहर चले गए, वहां पे मतलब उसके बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 6-8 महीने के बाद डेट्स क्लैश हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था, मतलब 6-8 महीने के बाद ये गाना शूट हुआ, और उसके बाद ये रिलीज हुआ जाके जुलाई 18th, शायद जुलाई 18th या सो उसके बाद ये गाना रिलीज हुआ, सॉरी जुलाई 18th को। तो इतना बड़ा सर सोचा नहीं था, लेकिन वीडियो ने बहुत ज्यादा बूम दिया था। गाना तो था ही अच्छा, जानी ने बहुत अच्छा लिखा था, अभी प्रकपा जी का म्यूजिक, और गाया भी ठीक ठाक था सर मैंने, तो वीडियो बहुत अच्छा था इस गाने का। मतलब हर चीज ज्यादा मतलब सही रहती है, हर चीज मतलब प्रमोशन गाने की, उसके लिरिक्स, उसका म्यूजिक और उसकी मेलोडी, सर हर चीज मैटर करती है। मतलब अकेला सिंगर कुछ नहीं कर सकता सर, अकेला राइटर कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क नहीं है बट सर। थोड़ा टैलेंट है तो बाबे जी मेरा, और कहंदे ना पंजाबी बंदा अखा नीवी करके थोड़ा हम्बल रहंदा है, तो थोड़े से जी जी कूट कूट के भरिया हुआ है बाबे ने, तो आई नहीं वांट भाई यू टू सारे प्लीज ये बार सारे लिसनर। सारे सारे चढ़दी कलर भरा जी, सारे भरा जी खुशी रहते हैं जी, वधिया सोहना पंजाब भाई साडा। थोड़ा सोना जी, सोना बहुत सोना, ते सॉन्ग भी बड़ा सोना है, तो तुसी थोड़ा जा लेट्स डू दिस फॉर आवर लिसनर्स जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, किस्मत हो जाए सर। जी किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदल दा वेखिया मैं, बदल दे वेखे अपने मैं, रब बदल दा वेखिया, सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल जर ही जावांगी जे हुण तू भी बदल गया, मैं ते मर ही जावांगी, जे हुण तू भी बदल गया, मैं ते मर ही जावांगी। थैंक यू सो मच ठीक भाई। गाल है सर, मैं वो कॉम्प्लीमेंट दूंगा तो आपके हर यूट्यूब वीडियो के नीचे लोग लिखते हैं।
कैंट है पाजी, कैंट है कैंट। थैंक यू, सर आपने देखा टिकटॉक पर ये वीडियो, आपके गाने पे सबसे ज्यादा कौन सी वीडियोस दिखाई देते हैं ये किस्मत के? अच्छा जी, कौन से वाले भाजी? मैं देख मतलब टिकटॉक पे हूँ लेकिन मैं स्क्रॉल नहीं करता, जस्ट अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ भाजी, मैं देखता कम हूँ। मतलब जो पॉपुलर साउंड होती है उसमें मैंने अभी कम बनाए हैं, लेकिन मैं खुद के गानों पे टिकटॉक ज्यादा बनाए हैं। अभी आधा एक डेढ़ घंटा पहले डाली थी हमने टिकटॉक। करेक्ट, तो उसपे सबसे ज्यादा वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी वीडियो होते हैं ना वो दिखाते हैं, किस्मत बदलती व्यक्ति में। मैं मतलब बंदा किस तरह बदलता है, ओदे ना शॉर्ट आंदे से 6-7 फोटो आंदी ने, तो मैं इस करके मैं भी क्रिप्टो शुरू किया है। ओके ओके, वेरी गुड। नहीं पाजी, मेरा एक फ्रेंड है वो एवी तोड़ता दिल, जिसने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है मेरा, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है, छोटा भाई है मेरा ऑलमोस्ट। तो उसने सर वो जो बिफोर वाली वीडियो होती है ना ऐसे जी, ऐसे रखा हुआ है बिफोर वाली वीडियो, ऐसे खड़ा हुआ है, पेट है ऐसे खड़ा हुआ है, उसके बाद ऐसे कैमरे पे हाथ रखा है उसने ऐसे, बस इतना भी शूट किया है, वो पीछे आके फिट होने वाला भी बचा हुआ है। देखो ट्रांजिशन वीडियो में उसके ऐसे हाथ रखा है, तो अभी उससे भी मोटा हो गया है। मैंने उससे बोला ऐसे हाथ रखा है ऐसे करके अभी और मोटे होने वाले दिखा देना ट्रांसफॉर्मेशन, वो अभी हो रहा है भाई। अभी उसने ट्रेनर मंगाया, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका ट्रेनर आया है। तो आई वाज लाइक भी वो डाल दे, मोटे होने वाली डाल दे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बंदा मोटा भी हो सकता है, व्हाट्स ऑन इट। तो उसको बोल रहा था मैं मोटे होने वाली डाल दे दूं, मेरा भाई छोटा बहुत क्यूट है। अच्छा वैसे बहुत सारे लोग अभी आपको और हाय बोल रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं मोटे है, तू ही गलता गल करता जाएगा कि सानू भी बोलन देगा, तो आप सबको दोनों प्लेटफॉर्म से थोड़ा हाय बोल दीजिए। नहीं नहीं, सब नु प्यार तो ही, सत श्री अकाल, हेलो इधरले पासे सर, मैं इस पे दूसरी साइड में सर फेसबुक पे हूं, साथ वाले फोन पे। सबको हेलो हाय, सबको हेलो हाय, आई लव यू सो मच। ते ऑस्ट्रेलिया बाजी जल्दी आवांगे, इधर कमेंट सारे सी ऑस्ट्रेलिया जल्दी आवांगे। थैंक यू सो मच। ए परना जी, परना ए मतलब ए कार है जी छोटा थोड़ा जा, ते बाकी चढ़दी गला जोंदे रहो। थैंक यू। हां जी हां जी, तो अभी क्वारंटाइन में आप निकले तो नहीं होगे, तो आप कितना ऐसे ट्रैवल करना मिस कर रहे हो, क्योंकि कनाडे कभी आओगे ये कभी आओगे वो सारे लिख के आ रहे हैं सब, आप बहुत बड़ा ट्रैवल करना मिस कर रहे होगे। हाँ जी भाजी, मतलब फ्रेंड्स हैं सर वहाँ पे वेट कर रहे हैं, सो अभी प्लान कर रहे हैं, अभी निकलेंगे यहाँ से। सो घर पे ना सर देखा मैंने, काफी फिल्में भी देखी हैं और काफी कुछ देखा, इंटरनेट पे भी देखा सर, आई जस्ट वांट टू सी नेचर। अभी मतलब जो अगर मन की बात पूछो आप, अभी अभी बाहर भी बैठा सोच रहा था, जब कैनेडा जाएंगे हमारे फ्रेंड्स हैं उनके गाने भी आते हैं, वो वहाँ पे बार बार जाके शूट करते हैं राइट, तो मतलब नेचर देखने अच्छी लगती है काफी, मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे घूमते हैं, सो गाड़ी उठा के सर मतलब फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ सर बाहर जाना चाहता हूँ, मतलब नेचर देखना इंडिया में भी और मतलब नेचर देखना बस बाहर। अच्छा लॉकडाउन में वो कौन से में अगर गाने बने हुए हैं 5-7 गाने या 10 गाने, तो गाने भी बंदा शूट कर सकता है, लेकिन आपके साथ फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए, लाइक जैसे रविंदर कह रहा मेरा दोस्त है, वो भी हमारे साथ प्लान कर रहा है बाहर जाने का, मैं मनिंदर अरविंदर एवी और जानी, वी आर प्लानिंग टू गो टू कैनेडा और मे बी सम अदर कंट्री जिथे अभी शूट कर सकिए सर गाने, मतलब गाने बना भी सकिए शूट भी कर सकिए, बिकॉज जो सर अगर आप घूमते भी हो और काम भी करते हो, लोगों को भी प्रेजेंटेशन देते हो आप किसी भी चीज की, वेदर इट इज सॉन्ग और अ मूवी और अ शॉर्ट फिल्म, तो लोगों का भी मतलब दिल लगा रहता है। सही गल है, बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल सही गल है। कवर किए हैं सर, काफी कवर किए हैं मैंने फिल्मों में अभी क्वारंटाइन में, अभी लॉकडाउन में ऑलमोस्ट 10 और मे बी 12 कवर्स किए हैं सर मैंने, मतलब हमारे लेजेंड सिंगर्स थे, लिविंग लेजेंड भी हैं, उनके सर मैंने गाने गाए हैं, लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। So, I'm trying to entertain. काफी लोग बोलते भी हैं, मतलब नेगेटिव भी बोलते हैं, नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आप ऐसे कर रहे हो और पुराने गाने खराब कर रहे हो, मैं मतलब उनको यही एक आंसर और मेरा मतलब एक निजी सलाह पंजाबी में कि ओरिजिनल सॉन्ग भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, मैं जस्ट उनके कवर्स कर रहा हूँ, आपको अच्छे लगते हैं सुनो, नहीं तो ओरिजिनल तो है बिकॉज मैं भी तो ओरिजिनल ही सुनता हूँ राइट। सो बाकी कुछ बोलते हैं करो, मतलब 99.9% बोलते हैं भी करो और 0.1% बोलते हैं नहीं करो, सो दैट मींस मैं करूंगा। मैं आपको बताऊं, मैं आपको कि जब आप कोई ऐसे गाने को रिक्रिएट करते हो या अपनी तरफ से कवर करते हो, आप उस गाने की इज्जत और बढ़ा देते हो, आप उस गाने को और रिस्पेक्ट देते हो। मतलब बहुत ही लाजवाब और बाकमाल सिंगर्स हैं जिनके गाने मैंने गाए हैं, या मतलब कवर्स अभी मैं सर अभी तो शुरू किए हैं, अभी मतलब एंटरटेन जितना मैक्स कर सकते हैं, बिकॉज सर उसमें से ना उसमें से मतलब कोई आपको इनकम तो नहीं है, इंस्टाग्राम पे डालते हैं और टिकटॉक पे, दैट्स इट। और मतलब वो एक मिनट का इसलिए बनाता हूँ बिकॉज एक मिनट से अगर ज्यादा बनाओगे तो आपका वीडियो आईजीटीवी पे अपलोड होगा, आईजीटीवी की रीच कम है सर,
अब करेक्ट सीधा करेक्ट मतलब 1 मिनट के नीचे नीचे गाना करना पड़ता है हमको, मतलब किसी में म्यूजिक पीस डालते हैं किसी में नहीं डालते। सो वी वर ट्राइंग के भी ऐसा कुछ रहे और 1 मिनट का मतलब छोटा छोटा सा मतलब जो गाने हैं वो लोग सुने और मतलब एंजॉय करें, दैट्स इट। आप खुद के लिए कौन सा गाना गाते हो जब आपको मन करता है? आप खुद के गाने तो गाते हो, पर खुद के लिए कौन सा गाते हो कि गुनगुना लेते हो जो? ये मेरे को आपसे पूछना था, और ये भी पूछना था कि क्वारंटाइन में क्या नया सीखा है आपने? अजी मतलब मैं सब सिंगर्स को सुनता हूँ, सब सिंगर्स को। जैसे आप बोल लो मतलब आप जैसे मतलब जो आइडियल या मतलब जो जब मैं छोटा था तब सुनता था मैं, सर हमारे पंजाबी सिंगर हैं, लेजेंड हैं, लेट सुरजीत पिंदरखिया साहब, तू नहीं बोल दी रकाने तू नहीं बोल दी तेरे तेरा यार बोल दा। ते अब मैं आपको उसकी दो तीन लाइनें सुनाता हूँ सर, मेरे को अभी प्लीज सर, मन कर प्लीज। रहा है। हाँ जी, हो जी दे हेठ घोड़ा मोटे तेज नाली नी, आ पग बन्नदा जे औने मोड़ वाली नी, जी दी पच्चियां पिंडा च सरदारी नी, लाली हो जे हवेली नाल यारी नी, कहिंदे डीसी वी सलूटे ओनू मारदा, कहिंदे डीसी वी सलूटे ओनू मारदा, पैरां च ठाणेदार रोलता, तू नी बोलदी रकाने तू नी बोलदी तेरे च तेरा यार बोलदा, तू नी बोलदी रकाने तू नी बोलदी तेरे च तेरा यार बोलदा। आए, थैंक आए, यू। आए, 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 ये सर आए, मैंने आए। मतलब जब मैं स्कूल में था तो ये मैंने मतलब काफी गाया, ये गाना बहुत गाया मैंने। मैं आपके दूसरे एक इंटरव्यू में देख रहा था कि शायद यही गाना है जो आपने पहले क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक सबको सुनाया हुआ है। हाँ जी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, हाँ और 10th तक मैंने सबको सुनाया सर। बहुत सारों ने लव फ्रॉम लंदन, लव फ्रॉम बहुत सारे लाहौर, कनाडा, बहुत सारे लोगों ने ऐसे लव भेजा है। बहुत ब्यूटीफुल थैंक यू वॉइस, सर, बड़ी सारी कुड़ियां हार्ट्स भेज रही हैं तो आपको, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मैंने यह थैंक देख यू, देख बहुत बहुत प्यार सुखा सारी वीर भैन, के। सर बहुत एक बहुत तोड़ा एक लेजेंडरी सॉन्ग है जब जेड़ा, मैंने मैंने दो सॉन्ग तोड़े बहुत पसंद है। पहला पे जिंदाबाद यारियां, बिकॉज दोस्तों की जो अहमियत होती है वो ऐसे टाइम पे मालूम पड़ती है जब आप उनको मिल नहीं पाते हो। तो जैसे आप भी बोल रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को मिल नहीं पा रहे हो, तो वो दोस्तों को बहुत कम डेडिकेशन आए एक जी, मारा ने बड़े सोहने यार दोस्त दिते हैं जी, बहुत बढ़िया। ते पंजाब में तो सर है मतलब यारी दोस्ती सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी, मतलब आप आपको पता ही होगा मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यारी दोस्ती होती है। आप मतलब कुछ भी करते हो लाइफ में, कुछ भी मेजर डिसीजन होते हैं वो अपने यार दोस्त से, मतलब अपनी फैमिली से, यार दोस्त फैमिली के बाद पहले नंबर पे रब, दूजे नंबर पे फैमिली, तीजे नंबर पे यार दोस्त। सारे हाँ मतलब जी, इम्पोर्टेंट चीजा थोड़ी लाइफ ने, जो थोनों मतलब कुछ भी तुहाडे तो करवा सकदे आ, मतलब तुहानू जिंदगी तुहाडी कितने तो कितने सोहनी बचा सकदे आ, तुहाडी चंगी चंगे सलाहकार ते चंगे यार दोस्त ने। मतलब अगर आप कोई काम करते हो उसको सही बोलता है जो बंदा, सही काम को सही बोलता है सर, वो आपका असल यार है। अगर आप मतलब बुरा काम कर रहे हो उसको भी आपको सही बोल रहा है वो, सर आपका यार नहीं है। आप यार कभी नहीं है। मतलब तो सर इसके एग्जामिनेशन या मतलब कोई पेपर तो है नहीं यारी दोस्ती का सर, वो तो सर टाइम टू टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, औखे वेले कौन खड़ता सर। यार दोस्ती मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, यारी दोस्ती सबसे इम्पोर्टेंट है सर जिंदगी। थैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सॉन्ग बड़ा सोहना है, तो मैंने उसका वीडियो भी यू बहुत पसंद है। तो एक थोड़ा थैंक जी यू सर। आप हाँ दो जी लाइन हाँ से। जी, हाँ जी, हो दिल शीशे जहे साफ ने, भावे शकलां दे पक्कियां, सातों शुरू होण बाजियां, असी हुक्म दे यक्कियां, सानू ओना तिना जानी बलिए, थक के जो लेंदे चटनी, ओए जिंदाबाद रहण बिलो यारियां, जिना करके जिउंदा जटनी, जिंदाबाद रहण बिलो यारियां, जिना करके जिउंदा जटनी, ओ जिंदाबाद रहण बिलो यारियां, अज ना करके जे आउंदा जट नी। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बड़ा ही सोहना। मतलब वीडियो जिस तरह स्टार्ट ही हुआ, तुम्हें क्लासरूम च लेके आंदे थे, तुम्हें कह दिए जी तुम जी खुद। खैरा हाँ भाजी ने, खैरा जी, भाजी ने वीडियो कीता जी, बहुत बागमाल साडे डायरेक्टर साहब ने, तुहानू पता होना जी। तो अच्छा, वो कौन सा एक स्किल है जो आपने क्वारंटाइन में सीख लिया? जैसे कुछ खाना बनाना सीखा हो, कुछ कुछ नई चीज सीखी हो सकता है, भाई नहीं एनीथिंग? तो मैं टिकटॉक पे एक्टिव हूँ और इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, कवर्स किए हैं मैंने सर बहुत ज्यादा, मेरे को अच्छा, लगता है अगर मतलब काफी गाने हैं जो पुराने हैं जिनका मतलब मतलब ऑब्वियसली लेजेंड सिंगर्स, लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स, लेजेंडरी वीडियो डायरेक्टर्स ने काम किया है, लेकिन तब मिक्सिंग मास्टरिंग का थोड़ा वो था, मतलब क्वालिटी वाइज आप बोल लो, अभी सिस्टम सारे अपग्रेड हो गए हैं सबके पास, उन्हीं मतलब उन्हीं डायरेक्टर्स और राइटर्स के पास या म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास अभी भी सिस्टम नए आ गए हैं। सो जी, मैंने मतलब हम हमारी टीम ने या एवी ने ट्राई किया है उसको थोड़ा सा मतलब सेम कॉम्पोजिशन ईच एंड एवरीथिंग म्यूजिक पीस सब कुछ वैसा ही कॉपी किया हमने,
लेकिन अब उसका भी मिक्सिंग मास्टरिंग का सर सबके पास सिस्टम नए नए आ गए हैं, तो उसमें क्वालिटी वाइज थोड़ा ज्यादा बेटर हो गया है. क्वालिटी इन द सेंस भी ऑडिबली आपको मतलब किक वगैरह बेस वगैरह म्यूजिक पीस सब कुछ ज्यादा सुनाई देता है पहले से. मिक्सिंग मास्टरिंग अभी ज्यादा अच्छी हो गई है. सो हमने सर वो सीखा है काफी चीजें. म्यूजिक का सर काफी कुछ सीखा है मैंने अभी नया, मतलब लॉकडाउन में मैंने काफी कुछ म्यूजिक करना नहीं सीखा लेकिन इसमें मतलब स्टडी नहीं स्टडी बोलते हैं उसको, काफी कुछ सीखा सर मैंने, ट्राई किया है नया नया कुछ. अच्छा अच्छा अभी क्या है ना आपकी पिक्चरें भी आ रही हैं दो, अभी थोड़ी डिले हो गई होंगी पर वो आने वाली हैं, बहुत प्यारी पिक्चर है, बहुत उनकी बज है. 83 की भी है, भुज प्राइड ऑफ इंडिया की भी बहुत बज है. कितना एक्साइटमेंट, किस लेवल का एक्साइटमेंट है? बोल भाजी मैं लाइक लास्ट ईयर साडा सारा 83 और भुज दे लई सीगा भाजी, और एक फिल्म असी होर शूट कीती सीगी अपनी सुपना शूट कीती सी लास्ट ईयर जिहड़ी 14th फरवरी नूं रिलीज होई सी. सो मतलब अलग ही एक्सपीरियंस सीगा भाजी. एक्टिंग तो चलो सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क पै भाजी. इत्थे पंजाब च पंजाबी फिल्मां करदी पंजाबी बोलदे सीगे जी, उत्थे अपना हिंदी बोली जाके जी. एक्टिंग वाइज तो सारा कुछ सेम सीगा, बट हुंदा जी मतलब जो तुसी थोड़ा पहला एक्सपीरियंस हुंदा ना किते नवीं चीज ते जाके सर, जो किते बहुत ज्यादा वधिया हो जाए सर ओहदे वर्गी रीस नहीं हुंदी, तुहाडे पैर लग जांदे सर. तुहानूं इन्नी इज्जत मिली उत्थे तुसी गए हो, तुहानूं प्यार मिलिया सत्कार मिलिया लोकां नूं इन्ना प्यार सत्कार मिलिया. सो सर करम वाले आ जी इन्नी ज्यादा वधिया टीम, ते थोड़ा जिहड़ा मतलब हीरो आ फिल्मदार रणवीर भाजी वर्गा आ, सो ही सो एनर्जेटिक. ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਸਰ ਮਤਲਬ 14 ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਸਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ. ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਰ ਸੀਗੇ ਸਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਰ ਉਹ. ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਭਾਜੀ ਬੁੱਝ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਭਾਜੀ ਹੈ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਰ ਨੇ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ. ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਬਾਕਮਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ. ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਓਕੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਦਿਸ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਭ ਕੋ ਕਿ ਆਪ ਕਦੀ ਐਸੇ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਔਰ ਵੈਰੀ ਕੰਫੀਡੈਂਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕੈਮਰਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਐਕਟਿੰਗ ਭਾਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਥੋੜਾ ਨੈਚੁਰਲ, ਥੋੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਜੋ मतलब मैं एक्टिंग करना नहीं चाहता सर. मैं एक्टिंग होती है हाँ, अगर आप मतलब एक्टिंग होती है अगर आप रोना है उसके रोने की एक्टिंग करनी पड़ेगी नेचुरली, वो भी मतलब नेचुरली रोना लगे मतलब ज्यादा ओवर नहीं लगे. सो मैं ट्राई करता हूँ सर कि सब कुछ नेचुरल लगे. और मतलब 2015 में अंग्रेज फिल्म का डेब्यू था मेरा, अंग्रेज फिल्म में मेरा. सो पहले दिन पहले सीन के लिए नर्वस था, कुछ भी चीज नहीं करते हो तो उसके लिए बंदा नर्वस होता है. जैसे मैंने होस्ट किया था अभी पीछे मतलब एक डेढ़ साल दो साल पहले एक शो होस्ट किया था, उसका पहला दिन थोड़ा था लगा था मेरे को. पहला दिन नहीं मतलब एक दो चीजें सामने पढ़ के मतलब आपको होस्ट करना है, सामने चीज लिखी हुई है, कोई भी चीज आपके लिए नहीं होती है तो एक दो बार नर्वस नहीं होता, बंदा सीखता है स्टार्टिंग में से. और जो इसका अंग्रेज का डेब्यू था उसमें सर मेरे को मतलब फुल स्लीव चाहिए था, कुर्ता फुल स्लीव चाहिए था, वो जो हमारे थे कॉस्ट्यूम वाले उन्होंने मेरे को हाफ स्लीव दे दिया था. सो मेरे को तब मैं इतना मतलब अभी तो चलो थोड़े हेल्थी हो गए हैं तो मतलब बाजू बाजू तगड़ी हो गई है थोड़ी बहुत, पहले ज्यादा पतली थी सर, मेरे को मतलब इनसिक्योर फील हो रहा था कुछ ऐसा ही, नर्वस नहीं था, ध्यान मेरा उस तरफ था, पता नहीं कैसा लग रहा हूंगा, पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, एक्टिंग तो दिमाग में थी नहीं, कपड़े लुक भी कैसा लग रहा हूँ कैसा लग रहा हूँ वो थी चीज. लेकिन वो पहला दिन हमारे राइटर साहब थे अंबर भाजी, बोले यार पहले दिन मैं डर गया था जो तूने मतलब काम किया था, चलो एडिट वेडिट भी काट वट करके सब कुछ हो जाता है. और दूसरे दिन जब मेरे को खुद के अपने मनपसंद के कपड़े मिले और सर मैंने व्हाइट पगड़ी बांधी, अंग्रेज फिल्म अपने हमारे पंजाबी व्यूअर्स ने सबने देखी है, जिथे जाके मैं बेबे उन्हां नूं घोड़ा मैं उनसे बात करता सर, जिथे घोड़ा लिया उन्होंने अपने दरवाजे देके खड़ा करता, बेबे नूं पुछदा बेबे आ फलाने फलाने घर जाना फलाने फलाने घर जाना. वो मेरा दूजे दिन का शूट सीगा सर, जब वो शूट हुआ मतलब वो सीन हुआ वो परफॉर्मेंस देखी अंबर भाई ने और देन ही वाज लाइक भी अब मैं ठीक हूँ, अभी सेटिस्फाइड हूँ, अभी फिल्म पास है हमारी. हर बंदा करेक्टर हर बंदा फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेरा उसमें काफी इंपॉर्टेंट करेक्टर था जो भाजी उन्होंने मेरे से परफॉर्म करवाया, उन्होंने करवाया सर, मेरे को कुछ नहीं आता रहा था कुछ अभी भी. मतलब जो हमारे डायरेक्टर राइटर्स हैं जो अच्छे मतलब अच्छे डायरेक्टर राइटर हैं उनमें सर मैं वो नहीं करता, मतलब दखल अंदाजी बोल लो आप या उनका जो लिखा हुआ है उसको इम्प्रोवाइज नहीं करता, मतलब सर मतलब कंफर्म करता हूँ उनके साथ डिस्कस कर लेता हूँ काफी चीजें, तो उनकी चीजें लिखे हुए इम्प्रोवाइज नहीं करता बिकॉज वो मेरे से ज्यादा बेटर जानते हैं फिल्म को. भाजी एक एक गाना गाते, बहुत सारे लिसनर्स बहुत सारे गाने रिक्वेस्ट कर रहे थी पर मैं ना देख नहीं पा, सुनाता हूँ चलो कौन सा देखेंगे अभी.
तेरा हसना भी जन्नत है, तेरा तावीज जन्नत है, ओ जन्नत है, तेरा मुखड़ा तेरी हर चीज जन्नत है, हो तेरे पैर भी जन्नत है, तेरे शहर भी जन्नत है, ओ असी पी जाने सजना तेरे जहर भी जन्नत है, ओ जन्नत है, तेरी गलियां तेरी दहलीज जन्नत है, ओ जन्नत है, तेरा मुखड़ा तेरी हर चीज जन्नत है। क्या बात है, क्या भाई भाई कॉन्सर्ट पे या जब आप ऐसे ये कर रहे होते हो, क्या बोलते हैं, परफॉर्म पे, बैक स्टेज वगैरह आके सबसे स्वीटेस्ट जेस्चर क्या किए हुए हैं आपके फैन ने? सर, मैं बहुत ज्यादा प्यार मिला है सर, आप सोच भी नहीं सकते सर कितना ज्यादा प्यार मिला, बहुत ही सर, मतलब बहुत बार हुआ है सर, बहुत बार, काफी चीजें हुई हैं, मतलब गिफ्ट दे जाता है बंदा, ऐसे घड़ी उतारी, घड़ी दे दी या कुछ किया, मतलब गिफ्ट सर, मतलब सोच भी नहीं सकते आप, मतलब इतना ज्यादा प्यार मिला सर, इतने काबिल नहीं थे सर वो, सच्चे पातशाह वाहिगुरु ने कृपा की थी सर, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी जगह ते लाके बाबे ने बिठाया जी, तो लोगों ने प्यार करना, मैं देना नहीं दे सकते सर, बस हाथ बने, बहुत प्यार मिला और सर। इसके पहले कि मैं आपको गुड बाय बोलूं और एक बार आपका वंस मोर दूं मैं सुनिया का, मैं बोलना चाहता हूं कि आपका क्या मैसेज है जो आपके हार्डकोर फैंस हैं, वो ये साल आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करें और आने वाले साल को कैसे लें, बिकॉज इट्स बीन अ स्लो स्लो ईयर फॉर एवरीवन। एक तो मैं सुना का आप वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे, इट्स अराउंड ऑलमोस्ट 30 मिलियन, उस वीडियो में से जो आपको मैसेज मिलता है, जो आपको मैसेज मिलता है, प्लीज एक आप वो मैसेज लीजिए, और उसके बाद हर गाने में मैसेज होता है, हाईवे गाना आया था उसके, उसमें अच्छा मैसेज था, वो आप उसमें से मैसेज लीजिए, और उसके बाद अभी बीट सॉन्ग प्लान कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबली नेक्स्ट वीक शूट करेंगे, और 15 दिन या 20 दिन बाद वो गाना रिलीज करेंगे, उसके बाद एक और सैड सॉन्ग है। अभी और सर मैं एक वो पंजाबी में बोलते हैं कतूरा लेके आया हूँ सर नया, उसका नाम रखा है बर्फी, उसकी फोटो मैं आज या कल डालूंगा आपको, हमारा न्यू फैमिली मेंबर है बर्फी, सुना होती है अच्छा वो बर्फी, खाने वाली बर्फी होती है, जी, वो वाला नाम हमने बर्फी, सर साइबेरियन हस्की लिया है सर, और मेरे को बधाइयां दो, हमने कतूरा लिया है पंजाबी में, हाय हाय तो हाय हाय, बहुत हो उसकी फोटो डालेंगे, गई और बाकी सर कृपा महाराज जी, उसके बाद सर फिल्में अभी आई डोंट नो कब शुरू होंगी, कब ये मतलब लॉकडाउन खत्म होगा, अच्छे से शूटिंग्स कब से स्टार्ट होंगी, और फिल्में रिलीज कब होंगी वो सर मेरे को अभी पता नहीं है, लेकिन जब भी रिलीज होने वाली हैं वो सर होगा सीधा 83 है सर भुजे पाइपलाइन में, और एक पंजाबी फिल्म है पुआड़ा और छल्ले मुंदिया, सर 4 फिल्में हैं ऑलरेडी, और नाउ वी आर प्लानिंग टू डू किस्मत 2, अगर ये लॉकडाउन खोलते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत खोलते हैं, बिकॉज उसका सम ऑफ द पार्ट कनाडा में है सर, बाकी सर 2-4 दिन में बढ़िया, जब भी बाहर है मेरे लेकिन पास चंडीगढ़ में सर, देन वी विल लेट यू नो क्या बनता है। बड़ी चंगी लिस्ट है। पहले एक स्क्रीनशॉट लेते हैं सर मेमोरी के लिए, एक छोटा, व्हेनेवर यू आर रेडी। या तो ये स्क्रीनशॉट ले लेता, तो एक बार एक पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी, मैं सुने एक और बार हो जाए इसके पहले कि हम एंड करें। बिलीव 1 लाख, यस सर। ता होना ही सी, तो एक दिन रोना ही सी, कदे मन भरे आसी मेरे तो, कदे मन भरे आसी तेरा मेरे तो, अज फेर तो मिलने लई तेरा भी जी करेगा, मैं सुनया मेरे नाम नु सुन के रोया ए, मेरे हाल नु सुन के यारा वे दस की करेगा, मैं सुनया मेरे नाम नु सुन के रोया ए, मेरे हाल नु सुन के यारा वे दस की करेगा। थैंक यू सो मच जी। की गल है पाजी, थैंक यू सो मच, तुसी टाइम दिता ते 30 मिलियन आवे, हुणे जो रिकी सिंह का वादा है तुहानू एक बार रिकी सिंह प्ले कर दिता ते 100% उपर 300 मिलियन तो आपां करना ही है ए सॉन्ग थैंक्स ते। सो मच, चीयर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द मूवीज ऑल द सॉन्ग्स थैंक्स एंड भाई, बहुत जल्दी लॉकडाउन खुल जाएगा ते आपां इन पर्सन मिल लांगे। श्योर भाई, डेफिनेटली, थैंक यू थैंक्स सो भाई, मच एंड बिग लव फ्रॉम रेड एफएम। थैंक्स लॉट, थैंक यू। ऑलराइट, रिकी सिंह का बाल काउंटडाउन आता है, @RJRickySinh ऑन इंस्टाग्राम। व्लॉग देखिए, रिकी सिंह का वायरल काउंटडाउन सुनिए, रिकी सिंह के जो फ्राइडे शाम को 5 बजे, संडे रात को 9 बजे नॉन फिल्मी वाले गाने आते हैं, @RJRickySinh ऑन इंस्टाग्राम जरूर से याद रखें। हमारे सारे जो है ऑल द लव दैट कम्स इन
सारे ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ जो हम सारे गाने वाने रिलीज करते हैं, सारे लाइव्स करते हैं, वो सब आपको वहां पर देखने मिलेंगे. और रिकी सिंह को भी काफी प्यार दिया आपने इसके दौरान. तो एमी इज जस्ट समथिंग एल्स यार. एमी एमी किन्ने किन्ने मतलब किन्ने टैलेंटेड है, ये देख के बहुत अच्छा लगा. सो यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और रिकी वापस आएगा रेड एफ एम इंस्टा पर ऐसे किसी स्टार के साथ. तो @RickySinghIt is Ricky out. Peace out.